दोस्तों आईपीएल 2021 का 18वां मुकाबला कोलकाता और राजस्थान के बीच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के ठीक बाद आईपीएल 2021 का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल और पर्पल कैप ऑरेंज कैप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि माई 11 सर्कल ऐप पर इस वक्त काफी शानदार ऑफर चल रहा है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट डिपॉजिट पर फ्री में 1500 रुपए मिलेगा और साथ ही में 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और अगर आपकी टीम लक्ष्मण सर की टीम को हरा देगी तो आपको मिलेगा आपके विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। और अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप पर आते हो तो आप 2 करोड़ रुपए जीत सकते हो। सबसे खास बात यह है कि आपको जेब से सिर्फ 1 रुपए लगाना है और आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। बहुत सारे लोग 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, तो देरी किस बात की। डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप को। इस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज खेले गए रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया और इस जीत के बाद आईपीएल 2021 का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे 8वें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर अब लू ढक्कर आ चुकी है यान मॉर्गन की कप्तानी वाली, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और इस टीम ने इस साल टोटल 5 मैच खेले हैं, जिसमें 1 बार जीती है और 4 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 5 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट माइनस में है। तो यहाँ पर से कोलकाता को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 9 में से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल काम नजर आ रहा है। इसके बाद 7वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर है 1 बार की चैंपियन और डेविड वार्नर की कैप्टनशिप वाली, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और इस टीम ने इस साल टोटल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 1 बार हैदराबाद जीती है और 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 4 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 7th पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.228 है, जो कि काफी ज्यादा खराब है। और हैदराबाद को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 10 में से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि काफी मुश्किल काम है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हैदराबाद प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद 6वें पोजीशन के बारे में बात करें तो आज कोलकाता को हराने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल में 6th पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर इस टीम ने इस साल टोटल 5 मैच खेले हैं, जिसमें 2 बार जीती है, 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से 5 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट फिलहाल माइनस में चल रहा है। और यहां पर से राजस्थान को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 9 में से कम 6 मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही राजस्थान की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। इसके बाद 5वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर अब आ चुकी है केएल राहुल की कप्तानी वाली, यानी कि पंजाब किंग्स की टीम। और इस टीम ने इस साल टोटल 5 मैच खेले हैं, जिसमें 2 बार पंजाब किंग्स जीती है और 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से 5 में से टोटल 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.428 है। और पंजाब की टीम एक बार फिर से फॉर्म में आ चुकी है, जहां पर कल के मैच में मुंबई को हरा करके पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 5th पोजीशन पर आ चुकी है और इस टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 9 में से कम 6 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद 4थे पोजीशन के बारे में
बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि IPL के 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए टोनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें, उनका डिटेल्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो चौथे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब आ चुकी है 5 बार की चैंपियन यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम, और इस टीम ने इस साल टोटल 5 मैच खेले हैं जिसमें 2 बार मुंबई इंडियंस जीती है और 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 5 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट -0.032 है जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब है, और मुंबई को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 9 में से कम 6 मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2021 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या मुंबई प्ले ऑफ में जाएगी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद तीसरे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर है लास्ट ईयर की उपविजेता यानी कि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और इस टीम ने इस साल टोटल 4 मैच खेले हैं जिसमें 3 बार दिल्ली कैपिटल्स जीती है और 1 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 4 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट +0.426 है जो कि काफी शानदार नेट रन रेट है, और दिल्ली को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए यहाँ से बाकी बचे 10 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब आ चुकी है 3 बार की चैंपियन और MS धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और इस टीम ने इस साल टोटल 4 मैच खेले हैं जिसमें 3 बार चेन्नई जीती है, 1 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो टोटल 4 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट +1.142 है, और चेन्नई को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए यहां से बाकी बचे 10 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद पहले पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है विराट कोहली की कैप्टनशिप वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, और इस टीम ने इस साल टोटल 4 मैच खेले हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये टीम इस साल पूरी तरीके से अनबीटन है यानी कि 4 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर है, और इस टीम का नेट रन रेट +1.009 है जो कि काफ़ी शानदार नेट रन रेट है, और RCB को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 10 में से सिर्फ 4 जीत की ज़रूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग आसानी से RCB की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम पॉइंट टेबल टॉपर बनेगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि कौन सी 4 टीमें इस साल IPL 2021 के प्ले ऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही था IPL 2021 का नया पॉइंट टेबल। इसके बाद पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, सिक्सर किंग और बाउंड्री किंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ऑरेंज कैप के बारे में। तो इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर शिखर धवन, जो कि 4 मैचों में 57 के एवरेज के साथ 231 रन बना करके ऑरेंज कैप होल्डर है। सेकेंड पोजीशन पर है पंजाब किंग्स के कैप्टन KL राहुल, जो कि 5 मैचों में 55 के एवरेज के साथ 221 रन बना चुके हैं। और तीसरे पोजीशन पर है मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा, जो कि 5 मैचों में 40 के एवरेज के साथ 201 रन बना चुके हैं। इसके बाद पर्पल कैप के बारे में बात करें तो इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फास्ट बॉलर हर्षल पटेल, जो कि 4 मैचों में 7.25 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेट लेकर के पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर राहुल चाहर, जो कि 4 मैचों में 6.85 के एवरेज के साथ 9 विकेट लेकर के पर्पल कैप की रेस में सेकेंड पोजीशन पर है। इसके बाद सिक्सर किंग और बाउंड्री किंग के बारे में बात करें तो सिक्सर किंग में टॉप पर है जॉनी बेरिस्टो और KL राहुल, जहां पर बेरिस्टो 4 मैचों में 10 छक्का लगा चुके हैं और KL राहुल 5 मैचों में 10 छक्का लगा करके सिक्सर किंग की रेस में सबसे ऊपर है। इसके बाद बाउंड्री किंग के बारे में बात करें तो यहां पर टॉप पर है दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन, जो कि 4 मैचों में 29 छक्के के साथ फिलहाल बाउंड्री किंग है। तो यही था IPL 2021 का नया पॉइंट टेबल। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, वहां से डाउनलोड करने पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।